What is a cell? Cell is the smallest unit of life. Functioning unit of our body is called cell. ओके ठीक है, ये भी सही है. आपने जो डेफिनेशन करा है कहा है अभी वो भी सही है. फाइन ओके. सो कोई भी चीज को यदि हम डिफाइन करना चाहते हैं ना, तो उसके बारे में हमें सोचना होता है, उसकी क्या क्या फीचर्स है उसको रिकॉल करना होता है, हाउ दैट पर्टिकुलर थिंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, है ना, ये भी देखना होता है, तब जाके उस पर्टिकुलर चीज को हम अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. And for example, you are holding a earphone, you are holding a pen, you are holding a copy, you are holding a mobile phone, है ना. तो यदि मैं बोलूंगा आपको पेन को डिस्क्राइब करना है ना, तो आप पेन को देखोगे, है ना, किस तरीके का मटेरियल है, लाइन्थ देखोगे, साइज देखोगे, शेप देखोगे, उसके अंदर कौन सा मटेरियल भरा हुआ है वो बताओगे, किस काम में आता है वो बताओगे. हो गया उसका डेफिनेशन, उसका एक्सप्लेनेशन, उसका डिटेल. फाइन, उसी के तरह यदि मैं बोला हूँ सेल, तो सेल को भी हम इसी तरीके से डिफाइन करेंगे. वो है क्या, दिखता कैसा है, कहाँ पर प्रेजेंट है, उसके अंदर क्या है, उसके होने से क्या होता है. फाइन, सो ऑल दीज थिंग्स को हम रिप्लाई करेंगे और सबको कंपाइल कर देंगे. हो गया उस चीज का डेफिनेशन. फाइन, सो इफ आई से डेफिनेशन फॉर सेल, और इफ आई ट्राई टू डिस्क्राइब द सेल, तो हम इसी तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं सेल को, कि इट इज अ लिविंग मटेरियल, या फिर इट इज अ मटेरियल विच होल्ड्स सम वाइटल मटेरियल, एंड दोज वाइटल मटेरियल्स आर प्रोटेक्टेड बाय अ मेम्ब्रेन लेयर, है ना. दैट मेम्ब्रेन कीप्स द इनसाइड मटेरियल प्रोटेक्टेड फ्रॉम द थिंग्स विच इज प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर, है ना. ये एक मेम्ब्रेन है, जो सफेद कलर से मैं बनाया हूँ यहाँ पे गोल सा, वो एक मेम्ब्रेन है, लेयर है. फाइन, ये लेयर अंदर वाले मटेरियल को अलग किया हुआ है फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट. ओके, अब उसके अंदर जाएंगे, इस सेल के अंदर जाएंगे, तो विल ऑब्जर्व सो मेनी सब सेल्स, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सब देखने को मिलेगा, जो कि अलग अलग फंक्शंस करेंगे, हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में. फाइन, फिर जानेंगे कि हाँ, फिर और डीप में जा रहे हैं इसके. सेल एक एक मिल के, है ना, ऑर्गन सिस्टम को जन्म देता है, और ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है. तो हम बोल सकते हैं कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस प्लैनेट पे बना हुआ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सेल से बना हुआ है. फाइन, दिखने में हम इतने बड़े हैं, 2 फीट, 6 फीट, 5.5 फीट, एलिफेंट देखो कितनी बड़ी है, व्हेल देखो कितनी बड़ी है, है ना. वो सारे चीज एक एक सेल को इकट्ठा करके बनाया गया है. जैसे कि आपका घर है, है ना, वो घर बना है एक एक ईंट को जोड़ के. उसी की तरह हम लोग भी बने हुए हैं बाय एडिंग ट्रिलियंस ऑफ सेल्स. फाइन, सो सेल, इसका डेफिनेशन हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इज द वेरी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ विच हैज अ लिमिटिंग मेम्ब्रेन and has the capacity to regulate itself. Regulate itself कहने का मतलब खुद का रिप्रोडक्शन करवाना, खुद के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन करवाना, खुद के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट है उसको बाहर कर देना. फाइन, ऑल दिस थिंग्स, ये सब होना. ओके, सो चलिए थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं, हम लोग डिस्कवरी ऑफ सेल पे जाते हैं. देखते हैं किसने सेल को पहली बार डिस्कवर करा. फाइन,
लिविंग सेल को करे थे या डेड सेल्स को करे थे, वो सब हम जानेंगे। सो आप में से कोई बता सकता है सबसे पहली बार सेल को किसने ऑब्जर्व करा था और वो किस तरीके का सेल था, डेड था या? रॉबर्ट हुक, और वो डेड सेल था। हाँ, वेरी गुड, रॉबर्ट हुक ने करा था। फाइन, एक शब्द यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मैं जनरल नॉलेज के लिए, साइटोलॉजी। सो साइटोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। फाइन, सो ये जनरल नॉलेज के लिए है, इज अ ब्रांच ऑफ, जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं वो साइटोलॉजी के अंदर आता है। Which deals with the study of cell and its structure. Fine, cytology. चलिए अब हम आते हैं थोड़ा history पे। So, discovery of cell. है ना, किसने करा है? तो रोबर्ट हुक ने करा है। वेरी गुड, किसने, जिसने आंसर दिया था। रोबर्ट हुक इन द ईयर 1665, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। ओके, कौन से पौधे में ऑब्जर्व करा था, है ना, डिस्कवरी ऑफ सेल बाय रोबर्ट हुक इन द बार्क ऑफ, बार्क मतलब लेमन भाषा में बोलेंगे तो छाला कहते हैं इसको, बार्क ऑफ क्वारिकस स्यूबर। क्वारिकस स्यूबर बहुत ही बड़ा पौधा है, देखेंगे डायग्राम में दिखा रहा हूँ, उसका फोटो दिखा रहा हूँ, देखेंगे। This is Quercus sever. देख पा रहे हो? बहुत बड़ा प्लांट होता है Quercus sever, इस तरीके से। ये है Quercus sever का पौधा। Fine. इन द बार्क ऑफ क्वारिकस स्यूबर जो सेल ऑब्जर्व करा गया था वो एक्चुअली डेड सेल था। फाइन, और सेल वॉल को ऑब्जर्व करा गया था। द सेल व्हिच वाज ऑब्जर्व्ड बाय हुक वाज डेड सेल। क्वेश्चन आता है इंटरव्यूज वगैरह में, वाइवा में, है ना, कि उन्होंने डेड सेल देखा था या लिविंग सेल देखा था। फाइन, और ये भी आता है क्वेश्चन कि सेल तो देखा था, फाइन डेड सेल देखा था, तो ज्यादातर कौन से पोर्शन को देख पाए थे वो, है ना। सो सेल वॉल रीजन को देखा था उन्होंने, एंड द ऑब्जर्व स्ट्रक्चर वॉज द सेल वॉल। है ना, सेल वॉल था। फाइन, आगे बढ़े, शैल आई मूव? हाँ जी, जो उन्होंने सेल ऑब्जर्व करा था माइक्रोस्कोप के अंदर वो कुछ इस तरीके से दिख रहा था। क्या बोलते हैं, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर? यस सर। इस तरीके से कंपार्टमेंट्स दिख रहे थे, है ना। तो इस कंपार्टमेंट
को है ना जेल का जो सेल्स होते हैं ना उससे रिलेट करा गया था, जो जेल के अंदर सेल्स रहते हैं जहाँ पे कैदियों को रखा जाता है, फाइन उस तरीके से। सो ये ऑब्जर्व कर रहा था रोबोट हुक ने माइक्रोस्कोप के अंदर ना, कहा जा रहा था इट वॉज लुकिंग लाइक हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर, फाइन। ही नोटिस्ड, ही यहाँ पे रोबोट हुक के लिए है, like structure under microscope. Fine. चलिए exam point of view से क्या क्या important है, honeycomb like structure ये important है, उन्होंने dead cell observe करा था, cell wall observe करा था ये important है, quercus tubor आप लोग के लिए important नहीं है, robot hook important है and the ear is important. Fine. ओके आगे बढ़ते हैं, ये तो डेड सेल्स हो गया, देखते हैं लिविंग सेल किसने पहली बार ऑब्जर्व करा था। तो एक स्क्रीन हल्का ऊपर कर सकते हैं, हाँ लो ठीक है, ये सब थैंक यू सर। ओके ये सेल वॉल है, done. Shall I move? Yes, sir. Okay. Yes, sir. And then one living hook ने ये question आता है कि पहली बार living cell को किसने observe करा था? So it was living hook. है ना? In the year 1674. Fine. इन्होंने living cell को observe करा था. ओके और बहुत जगह पे लिखा गया है कि वो गंदे पानी से ऑब्जर्व करे थे, है ना, प्रोटोजोआ को ऑब्जर्व करा था, अलग अलग थीरीज दिए गए हैं, तो बस वो सब हम नहीं बताएंगे थीरीज, बस इतना ही बताएंगे कि लिविंग होप ने पहली बार लिविंग सेल को ऑब्जर्व करा था, ही वाज द फर्स्ट मैन टू ऑब्जर्व लिविंग सेल। फाइन इसके बाद एंटन वॉन हाँ पहली बार इन्होंने ऑब्जर्व करा था और अपने रिसर्च के दौरान उन्होंने बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करा, प्रोटोजोआ को ऑब्जर्व करा, आरबीसी स्पर्म सेल्स, फाइन इन सभी चीजों को उन्होंने ऑब्जर्व करा था। फाइन लेटर ही ऑब्जर्व, प्लीज म्यूट योर माइक इफ इट इज नेसेसरी, देन ओनली अनम्यूट योर माइक। बैक्टीरिया ऑब्जर्व करा उन्होंने, एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी कर दे रहा हूँ ज्यादा सही रहेगा, आरबीसी स्पर्म प्रोटोजोन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि पहली बार प्रोटोजोआ को किसने ऑब्जर्व करा है। फाइन ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके कोई भी एक मटेरियल को सेल कहलाने के लिए है ना क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि मैंने कहा ना कि सेल है तो उसके पास एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन है, उसके अंदर कुछ मटेरियल प्रेजेंट है,
फाइन, उस चीजों को हम सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को। बेसिक क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग ए सेल, ध्यान देंगे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिक क्राइटेरिया, बेसिक क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग डिफाइनिंग द सेल, ओके जैसे कि आपके पास पेन है, तो पेन को डिफाइन करने के लिए आप यही बोलोगे कि एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल मटेरियल है, प्लास्टिक से बना हुआ रहता है या फिर मेटल से बना हुआ रहता है ना, इसके अंदर होलो कैप रहता है, उसके अंदर एक लीड डालते हैं हम लोग, लीड के अंदर कुछ फ्लूइड भरा हुआ रहता है, वो फ्लूइड एक बॉल के ऊपर रोल करता है जिसके चलते पेन लिखता है ना। ये हो गया डेफिनेशन फॉर अ पेन। लेकिन मैं बोलूंगा यदि सेल आपको डिफाइन करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, है ना, कि एक स्ट्रक्चर है, क्लोज्ड स्ट्रक्चर है ना, इट इज क्लोज्ड स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, हैविंग जेनेटिक मटेरियल है ना, जेनेटिक मटेरियल कहने का डीएनए आरएनए होगा है ना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसके पास एक ऐसा लेयर है जो अंदर वाले मटेरियल को बाहर वाले मटेरियल से अलग करता है। फाइन, सो ये भी मैं मेंशन करूंगा, प्रेजेंस ऑफ presence of limiting plasma membrane fine, this plasma membrane is there, then इसके पास खुद से कुछ reactions करने की tendency होती है, ये भी mention कर दे रहा हूं, presence of a metabolic machinery, है ना। आप ये मत सोचने लगिए कि कुरकुरे का जो ताकत है वो भी एक सेल की तरह एक्ट करेगा, जैसे कि मैंने बोला कि ये क्लोज सिस्टम है। हाँ, कुरकुरे का पैकेट तो क्लोज रहता है, लेकिन उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल तो नहीं है, उसके अंदर खुद से रिएक्शन तो नहीं होता है ना, इसीलिए उसको हम लोग सेल नहीं कह सकते। फाइन, चलिए ये खत्म होता है यहाँ पे। सेल का जो साइज होता है बहुत ही छोटा होता है, फाइन, माइक्रो में प्रेजेंट रहता है, माइक्रोन्स में सेल साइज, द साइज आर इन द रेंज ऑफ माइक्रोन्स और माइक्रोमीटर, ठीक है। सो माइक्रोमीटर कितना होता है जी, 10^-, कितना मीटर होगा, माइक्रोमीटर कहने का मतलब -6 meters। फाइन, तो इतने छोटे चीज को देखने के लिए हमें एक स्पेशल एड की आवश्यकता पड़ती है, स्पेशल डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है। सो उस डिवाइस का नाम है माइक्रोस्कोप, टू ऑब्जर्व द सेल विथ दिस साइज, देयर इज नीड ऑफ माइक्रोस्कोप, है ना, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। फाइन, इसको मैं खत्म करता हूँ यहाँ पे। अब हम लोग आते हैं माइक्रोस्कोप पे। सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए। हाँ कर रहे हैं बेटा।
रिलेट करेंगे क्यों हम यहाँ पे माइक्रोस्कोप टर्म यूज करा, है ना, कनेक्टिविटी है, इसलिए करा क्योंकि सेल को हमें स्टडी करना है, देखना है, हम नेकेड आई से तो नहीं देख सकते, विदाउट एडिंग एनीथिंग ओवर आवर आई वी वोंट बी एबल टू ऑब्जर्व द माइक्रोस्कोप, वी नीड समथिंग इन फ्रंट ऑफ आवर आई टू ऑब्जर्व द माइक्रोब्स टू ऑब्जर्व द सेल, फाइन। तो हमारे इन फ्रंट ऑफ आई पे क्या आना है ऑब्जेक्ट, माइक्रोस्कोप आना है। सो हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट माइक्रोस्कोप, डायग्राम मैं नहीं बनाऊंगा, प्री फॉर्म डायग्राम मैं यहाँ से लेकर आता हूँ नेटवर्क से, सोशल नेटवर्क से। ओके, माइक्रोस्कोप, एक अच्छा वाला डायग्राम जो आपको अच्छे से समझा सके उसी को लेते हैं। आपने देखा है क्या डायग्राम अपने लैबोरेटरी में, हैव यू एवर ऑब्जर्व, हैव यू एवर? नो सर। नहीं, नो सर। ओके ओके, लेट एक अच्छा सा डायग्राम, एनसीईआरटी में डायग्राम अवेलेबल है क्या आप लोग की बुक में? यस सर। ओके, एनसी, चलिए उसी से बता पूछते हैं। ये एनसीईआरटी में डायग्राम है तो एक बार शेयर करेंगे जरा, ये ज्यादा सही मिल रहा है मेरे को। चलिए इसी का यूज करते हैं हम लोग। देख पा रहे हैं डायग्राम, देख पा रहे हो? हेलो। यस सर। यस सर। हाँ हाँ, चलिए इसी को हम एक्सप्लेन कर देंगे। फाइन, ओके, सी, इसको बेस कहेंगे हम लोग। बेस कहने का मतलब जिसके ऊपर माइक्रोस्कोप बैठा हुआ है। फाइन, बेस, उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर आ रहा है जिसको हम लोग आर्म कहते हैं। ये बहुत सारे चीजों को होल्ड किया हुआ है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज आर्म। फाइन, सो बेस एंड आर्म हो गया। बेस और आर्म की कनेक्शन कुछ इस तरीके से होती है कि इन दोनों में मूवमेंट पॉसिबल है, है ना, यहाँ से आर्म मूव कर सकता है। आप चाहो तो इसको अप एंड डाउन कर सकते हो आर्म को। फाइन, मीन्स टू से ये इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में थोड़ी सी ट्विस्टिंग करी जा सकती है, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में ट्विस्टिंग करी जा सकती है ना, रोटेशन करेगा यहीं से, इस पॉइंट से ये रोटेशन कर सकता है, थोड़ा बहुत हमें ऊपर नीचे करना।
फाइन, हटाइए, आगे बढ़ते हैं. फाइन, हाँ जी, यहाँ पे देखेंगे एक ये ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर आ रहा है. फाइन, इसको लैंप लिखा गया है. यहाँ पे मिरर भी हो सकता है, यहाँ पे मिरर भी हो सकता है, आइनक है ना. और यहाँ पे जो मिरर होता है दैट इज कॉनकेव, कॉनकेव मिरर होगा, है ना. कॉनकेव मिरर किस तरीके से होते हैं? कॉनकेव मिरर इस तरीके से होते हैं, कर्व होते हैं. फाइन, काम क्या होता है इस मिरर का, कि यदि इस पे लाइट फॉल हो, है ना, तो इन सभी लाइट को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोजेक्ट करवा देना. फाइन, दिस इज द फंक्शन ऑफ कॉनकेव मिरर. सो होता क्या है, यहाँ पे जो लैंप लिखा हुआ है ना, यदि हम मिरर बनाते हैं यहाँ पे, तो उस मिरर का पोजीशन हम इस तरीके से रखते हैं. फाइन, इस तरीके से रखते हैं इस मिरर का पोजीशन, इस तरीके से. फाइन, यहाँ से सनलाइट आता या फिर लैंप के अंदर जो लाइट है वो आता, और इन सभी लाइट को बैंड करके, है ना, एक पार्टिकुलर पॉइंट पे. कौन से पॉइंट पे? यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, है ना, यहाँ पे प्रोजेक्ट करवा देता, सारे लाइट को बैंड करके इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोजेक्ट करवा देता. दिस इज द फंक्शन ऑफ लैंप और द मिरर. फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं. मिरर के बाद और कौन सा ऑब्जेक्ट है उसके बारे में जानते हैं. नेक्स्ट है कंडेंसर. कंडेंसर, कंडेंसर का फंक्शन यही होता है, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे लाइट को कंसंट्रेट करवा दे. फाइन, फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व समथिंग व्हिच इज प्लेस्ड ऑन द प्लेटफॉर्म वी नीड लाइट. फाइन, इस ग्रीन कलर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें लाइट चाहिए. फाइन, लाइट इस तरीके से इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के पास पहुंच रहा है. हम चाहते हैं कि लाइट सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया में ही पड़े. फाइन, तो हम क्या करेंगे, कंडेंसर का इस्तेमाल करेंगे, और कंडेंसर का इस्तेमाल से क्या हो जाएगा, वो सारे लाइट एक ही पॉइंट पे प्रोजेक्ट करना शुरू कर देंगे. दिस इज द फंक्शन ऑफ कंडेंसर. ये हमारा सैंपल. समझ में आया कंडेंसर का रोल, है ना, पूरे लाइट्स को एक ही पॉइंट पे प्रोजेक्ट करवा देगा कंडेंसर. समझ में आया? ओके, फाइन, ओके, फाइन. अब लाइट कहाँ पे जा रहा है? इस पार्टिकुलर पॉइंट पे जा रहा है. लाइट इस पार्टिकुलर पॉइंट पे जा रहा है. हियर द लाइट इज प्रोजेक्टिंग. फाइन, तो हम लाइट यहाँ पे जाने का फायदा ये है कि उसके ऊपर हमने स्लाइड डाल रखा है, है ना. स्लाइड कुछ इस तरीके से रहता है. फाइन, इसके ऊपर हमने स्पेसिमेन डाल रखा है. स्पेसिमेन कहने का मतलब पोलन डाल रखे हैं या कोई प्रकार का सेल डाल रखे हैं जिसको हम देखना चाहते हैं. बैक्टीरिया प्लेस किए हुए हम देखना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं. सो स्पेसिमेन इस पे रखे हैं. किसके ऊपर? स्लाइड के ऊपर. छोटा सा ग्लास होता है ट्रांसपेरेंट, उसको स्लाइड कहते हैं. और यहाँ से लाइट फॉल हो रहा है. फाइन, स्पेसिमेन पे पड़ रहा है. ओके, यहाँ पे एक छोटा सा ये पिंक ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलेंगे, फंक्शन है यहाँ पे स्लाइड विथ स्पेसिमेन. इसको क्लिप कहते हैं, है ना, स्टेज क्लिप भी कहते हैं, जो स्लाइड को स्टेबल रखता है, इस तरीके से जाप देता है, है ना. ओके ओके ओके, इस पार्टिकुलर चीज को स्टेज कहते हैं. इस पार्टिकुलर चीज को स्टेज कहेंगे जिसके ऊपर हमने स्लाइड रखा है, दैट इज कॉल्ड स्टेज. फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं. ये रहा लेंस. लेंस, फाइन, इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं. ऑब्जेक्टिव लेंस मींस दैट लेंस व्हिच इज प्रेजेंट नियर द ऑब्जेक्ट. फाइन, सो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है. कंपाउंड कहने का मतलब मोर देन वन. तो दो लेंसेस होते हैं इसमें, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा आईपीस. आईपीस प्रेजेंट रहता है आंख के पास, और ऑब्जेक्टिव होता है ऑब्जेक्ट के पास. सो आजकल के जो माइक्रोस्कोप आते हैं उसके अंदर तीन ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं ऑफ डिफरेंट डिफरेंट जूमिंग कैपेसिटी. फाइन, एक होता है 10x, एक होता है 45x, और एक होता है 100x. फाइन, इस पे कोई भी मटेरियल ये दिखेगा, 45 पे थोड़ा सा बड़ा दिखेगा और 100x पे और बड़ा दिखेगा.
जूमिंग है। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊपर की ओर जो लेंस है उसको हम लोग कहेंगे आईपीस, इसको बॉडी कहेंगे, खास इम्पोर्टेंट नहीं है। नाउ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ये दो चीज, ये और ये, कोर्स फोकसिंग नॉब एंड फाइन फोकसिंग नॉब। होता क्या है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जब हम स्लाइड रखते हैं, स्लाइड रख के हम ढूंढते हैं कि वो स्पेसिमेन कहाँ पर प्लेस्ड है। फाइन, एक मोटा मोटी कलर देखने को मिलता है हमें, वो कलर को देखने के बाद रुक जाते हैं कवर स्लिप पे, स्लाइड को ही पे जांच देते हैं। फाइन, उसके बाद क्या करते हैं, इस कोरस फोकसिंग नॉब को हम ट्विस्ट करेंगे इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में ट्विस्ट करेंगे, और उस पर्टिकुलर मटेरियल को अच्छे तरीके से लोकेट करने की कोशिश करते हैं। फाइन, लोकेशन होने के बाद, लोकेट होने के बाद, है ना, चूंकि इसकी ट्विस्टिंग से ये वाला जो बॉडी है बहुत तेजी से अप एंड डाउन भागता है, बहुत तेजी से, है ना, ओके। तो जैसे ही हम मटेरियल को लोकेट कर पाते हैं स्लाइड के ऊपर, हम कंटिन्यूसली आंख से देख ही जा रहे हैं, हम ना इस तरफ से आंख से देख ही रहे हैं उसको, फिर बाद में हाथ से इसको ट्विस्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, क्लॉक डायरेक्शन में। उसके बाद यदि हमें बहुत कम इसको अप एंड डाउन करना होता है, बहुत ही कम, उसके लिए हम लोग फोकसिंग, फाइन फोकसिंग नॉब का इस्तेमाल करते हैं। फाइन, इसको यदि हम रोटेट करेंगे तो इस पार्टिकुलर ट्यूब का मूवमेंट बहुत ही स्लो होता है। फाइन, इस पार्टिकुलर ट्यूब का मूवमेंट बहुत ही स्लो होना है विद द हेल्प ऑफ फाइन फोकसिंग नॉब। लेकिन यदि हम कोरस फोकसिंग नॉब का इस्तेमाल करेंगे तो इस पार्टिकुलर बॉडी की ट्विस्टिंग बहुत तेजी से होती है, बहुत तेजी से अप इन या अप और डाउन मूव कर सकते हैं। फाइन, सो ये सब पार्ट हो गए माइक्रोस्कोप के। नाउ यू कैन आंसर द क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछना शुरू कर देंगे। माइक्रोस्कोप का डायग्राम बनाने के लिए आएगा आपके एग्जाम में, लेबलिंग के लिए आ सकता है, फंक्शन बहुत कम पूछता है। Come on, you can ask. So what is objective turret? Objective कहाँ पे लिखा? Turret. Sir, body tube के नीचे वाला। अच्छा, objective turret है ना, turret कहने का मतलब होता है एक ऐसा structure जिसने ऑब्जेक्टिव लेंस को होल्ड किया हुआ है ना, उसको टरेट कहते हैं। गोल शेप का रहता है, इसकी ट्विस्ट करेंगे ना तो एक एक करके यहाँ पे आके प्लेस होते रहता है, एक एक करके प्लेस होते। जैसे कि आपने कोई पिस्टल देखे होंगे ना, सिक्स राउंड का पिस्टल होता है, इस तरीके से पिस्टल होता है, और यहाँ पे कुछ गोल सा रहता है जिसके अंदर गोलियां भरी हुई रहती है, है ना, और ये रोटेट करते रहता है और ट्रिगर के सामने आते रहते हैं। उसी का तरह टरेट भी उसी का तरह होता है, तीन लेंसेस प्रेजेंट रहते हैं और इसको हम रोटेट कर सकते हैं, ना रोटेट कर सकते हैं, जैसे कि हम किसी चीज का ढक्कन खोलते हैं ना, उस मैनर में इसको रोटेट कर सकते हैं। रोटेशन के दौरान एक एक लेंस यहाँ पे आके बैठ जाता है, टक करके आवाज आता है जब बैठता है ना लेंस, है ना। तो इसको खुलेगा तो आप कोशिश करेंगे कि अपने सब्जेक्ट टीचर से बोल के कोशिश करेंगे कि आप एक बार देख पाओ इस माइक्रोस्कोप को, देख पाओ। हाँ, और क्वेश्चन पूछना है सर, कंडेंसर एक बार और बता दीजिए। हाँ, क्या बोल रहे हो सर? कंडेंसर एक बार और बता दीजिए। कंडेंसर है ना, कंडेंसर का फंक्शन होता है जो लाइट थोड़े से मोटा, जो मोटे तरीके से कंसंट्रेटेड नहीं है एक जगह, है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पे कंडेंसर लगा देंगे। कंडेंसर लगा देंगे तो क्या होगा, ये पूरे पे एक पार्टिकुलर पॉइंट पे ही फॉल होगा। बीम ऑफ लाइट को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही Yes.
If you don't have any other question, then I'll proceed further. देख लें डायग्राम फिर से और एक काम करेंगे या लिखने की कोशिश करो आप लोग राइट जितने भी इसके पॉइंट्स है जो मैंने बताया है उसको लिख लीजिए कहीं पे खुद से लिखने की कोशिश करेंगे और नहीं सब लिख पा रहे हो तो हमसे पूछें हम बताएंगे राइट इम्पोर्टेंट है ये कोर्स फोकसिंग का पॉइंट फोकसिंग का सॉरी स्टेज कहाँ पर स्टेज का फाइन ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कोर्स फोकसिंग और फाइन फोकसिंग से क्वेश्चन आता है तो मैं मेंशन कर दे रहा हूँ कोर्स फोकसिंग ये इम्पोर्टेंट रहेगा आप लोग के लिए ये एपिसोड खत्म होता है यहीं पे मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग सेल थ्योरी सर हल्का सा ऊपर कीजिए ना हाँ लीजिए हो जाएगा तो बोलेंगे सर एक बार स्पेसिमेन समझा सकते हैं
स्पेसिमेन कहने का मतलब होता है वो पार्टिकुलर चीज जिसको आप देखना चाहते हो उसको स्पेसिमेन कहेंगे। यदि मैं बोलूंगा कि आपको पोलन ग्रेन देखने हैं तो स्पेसिमेन हो जाएगा पोलन ग्रेन। इफ आई से टू ऑब्जर्व द आरबीसी तो आरबीसी स्पेसिमेन हो जाएगा। यदि मैं बोलूंगा कि आपको लीफ का एपिडर्मल लेयर देखना है ना तो लीफ का आउटर लेयर स्पेसिमेन हो जाएगा। स्पेसिमेन उसी को कहते हैं जिसको हम देखना चाहते हैं एग्जामिन करना चाहते हैं ना उसको स्पेसिमेन कहेंगे। समझ में आया? यस सर। स्पर्म सेल्स को एग्जामिन करना है तो स्पर्म सेल स्पेसिमेन हो गया। फाइन सर नोट कर लिए। ओके वेरी गुड। द थिंग व्हिच वी आर विलिंग टू ऑब्जर्व इज कंसीडर्ड एज स्पेसिमेन है ना। फाइन चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। ओके 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 हाँ आते हैं हम लोग सेल थ्योरी पे। ओके सेल थ्योरी। सेल थ्योरी थ्योरी का मतलब क्या होता है जी? थ्योरी थ्योरी का मतलब होता है कि अपना सोच से कुछ चीज को लिख देना है ना उसको थ्योरी कहते हैं। फाइन उसका 100% साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला है। यदि साइंटिफिक प्रूफ मिल जाता 100% तो उसको हम लोग प्रिंसिपल बोलते या लॉ बोलते। समझ में आया? थ्योरी मतलब लिखा हुआ है 100% प्रूफ नहीं लेकिन मोटा मोटी ऐसा कुछ चीज होता है ना उसको थ्योरी कहते हैं। सो सेल थ्योरी बताता है सेल कहाँ से आया होता क्या है क्यों है। फाइन तो यही बताता है सेल थ्योरी। सो सेल थ्योरी को दिया था दो साइंटिस्ट लोगों ने शेल्डन एंड श्वान है ना 58 साल बताएंगे 1858 है ना 56 के आसपास मेंशन कर दे रहा हूं मैं। Tales about the shell. इसने प्रपोज करा था क्वेश्चन आता है प्रपोज्ड बाय शेल्डन एंड श्वान एक बॉटनिस्ट थे और एक जूलॉजिस्ट प्रपोज्ड बाय एम जे श्रीडन एंड थियोडोर श्वान। Okay, इन्होंने प्रपोज करा था सेल थ्योरी को। नाउ एक छोटा सा हूँ टास्क हम को करेंगे। यदि आपके पास बुक है तो देख के बताएंगे कि सेल थ्योरी को ऑब्जर्व कौन से साल में करा था मतलब कौन से साल में दिया था। आपके पास कोई बुक बता सकते हो? सर शायद 1958 ना 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 19 में नहीं है बेटा नहीं नहीं 1858 हाँ है ना उसी समय दिया गया था। फिर से बता कितना दिया कब दिया गया था 1858। ओके और एक डेट बताएंगे दो डेट्स हैं 58 बस दो ही डेट है एक और डेट होना चाहिए। चलो मैं कुछ समय दे रहा हूँ आप लोग को देख के बताएंगे।
सर 1838 वेरी गुड है ना. सो ये भी जान लेंगे जनरल नॉलेज श्लेडिन कौन थे. फाइन सो श्लेडिन वाज अ जर्मन बॉटनिस्ट. बॉटनिस्ट वो होते हैं जो पेड़ पौधे के बारे में स्टडी करते हैं. और श्वान भाई साहब थे जर्मन से ही थे और ये जूलॉजिस्ट है. फाइन ओके. सो पहली बार सेल थ्योरी को जो प्रपोज करा था ये अपना कार्यक्रम करे थे 1838 में और ये करे थे 1839 38-39 इस तरीके से. तो चलिए क्या कहा था सेल थ्योरी के बारे में श्लेडिन एंड श्वान है ना. श्लेडिन ने कहा था कि जो प्लांट्स हैं है ना प्लांट्स बने हुए हैं सेल से और सेल प्रोडक्ट से है ना. ये किसका कहना था श्लेडिन का कहना था. श्लेडिन said that that all plants are made up of cell and cells. एक या एक से ज्यादा सेल से बना है ना. श्लेडिन का कहना यह था. श्वान ने क्या कहा था सेल थ्योरी देते समय. श्वान ने कहा था जैसे प्लांट्स बने हुए हैं सेल और सेल के प्रोडक्ट से वैसे एनिमल भी बने हैं है ना. लेकिन एनिमल्स के अंदर एक मोटा सा लेयर प्रेजेंट नहीं है जिसको सेल वॉल कहते हैं. मतलब श्वान का कहना ये था कि एनिमल सेल लेक्स सेल वॉल. श्वान ACH श्वान सेड दैट like plants animals too made up of cell and cells but animal lack cell wall hai na. dhyan se sunenge ek cheez yahan pe. एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होता है ये शब्द ये कथन श्वान का है. लेकिन पहली बार सेल वॉल ऑब्जर्व किसने किया था. इट वाज ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक जो पहली बार सेल को ऑब्जर्व किए थे. उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऑब्जर्व नहीं करा था उन्होंने सेल वॉल को ऑब्जर्व किया है ना. तो ये क्लियर कट रखेंगे है ना. चलिए आगे चलते हैं. श्लेडिन एंड श्वान ने कंक्लूड करा. श्लेडिन एंड श्वान गिव द सेल थ्योरी और उन्होंने कहा गिव द सेल थ्योरी एंड स्टेटेड उन्होंने कहा. फाइन उन्होंने कहा क्या ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. सेल थ्योरी में यही पॉइंट लिखोगे जो हम अभी लिख रहे हैं नोट कर लेंगे. सेल थ्योरी में यही पॉइंट लिखना ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर आर कंपोज्ड ऑफ cells and cell products. Fine, एक चीज ये कहने का मतलब cell is the structural unit of life. Cell is the structural unit of life. Sir, cell products का मतलब cell क्या
सेल प्रोडक्ट्स का मतलब सेल प्रोडक्ट, सेल के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, है ना, ये सब प्रोडक्ट हो गए उसके। सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। ओके ओके ओके, ये पहला पॉइंट कर देते हैं और इसको दूसरा पॉइंट कर देते हैं, ये ज्यादा सही रहेगा। ये ज्यादा सही, फाइन। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ एंड ऑल्सो द फंक्शनल यूनिट। है ना, ये बोल सकते हैं, फाइन। गड़बड़ ये हुआ, ओके, ये सेल थ्योरी कंप्लीट नहीं है, फाइन, इनकम्प्लीट है। शेल्डन एंड श्वान कहना भूल गए कि भैया सेल आता कहाँ से, है ना, ये इनकम्प्लीट सेल थ्योरी है। ओके, दे फेल टू एक्सप्लेन, नोट कर लेंगे, दे फेल टू एक्सप्लेन फ्रॉम वेयर द सेल अराइजेस, आता कहाँ से। They failed say from where, कहां से आता, the cell arises, है ना। So इस चीज का जवाब दिया था दूसरे साइंटिस्ट ने, that is Virchow, है ना। Virchow ने कहा कि सेल आता है पहले सेल जो प्रेजेंट है उससे, जैसे हम लोग कहाँ से आए, अपने पेरेंट्स से, है ना, उसी तरीके से, फाइन। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे, ओके, इन 1855 रुडोल्फ वर्चौ ने ये स्टेटमेंट दिया था, रुडोल्फ वर्चौ, okay, said that the cell arises from pre-existing cell. Pre-existing कहने का मतलब, what is the dictionary meaning of pre-existing? Pre-existing का मतलब जो पहले से exist करता हो, उसको pre-existing कहते हैं, fine. The cell arises from pre-existing cell. और इस स्टेटमेंट को उन्होंने अपने भाषा में कहा जहां से वो बिलोंग करते थे, फाइन। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओ एम एन आई एस सेलुला ई सेलुले, है ना, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब होता है सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, फाइन। समझ में आया, जर्मन भाषा में कहा था इन्होंने इस चीज को भी, ओमनी सेल्ला ई सेल्ला। सो लेटर इन तीनों पॉइंट को कंबाइन कर दिया गया और कहा गया मॉडर्न सेल थ्योरी। लेटर दीज थ्री points combined together and the modern cell, the cell theory was renamed as modern cell theory. तो क्वेश्चन पूछेगा मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दिया है, तो आप तीनों साइंटिस्ट के नाम बताओगे, ओके, तीनों साइंटिस्ट का नाम बताएंगे आप लोग,
हो गया सर। ओके फाइन। नाउ चलिए अब हम लोग आते हैं कुछ ट्राइविया पे, सेल्स के बारे में कुछ और ज्यादा डिटेल्स जानते हैं। सेल साइज, हाँ सेल का साइज यूनिवर्सल नहीं है। सेल इज लिविंग, ये प्रॉपर्टी यूनिवर्सल है, लेकिन उसका फंक्शन स्ट्रक्चर डिफर करता है। किस प्रकार का काम करेगा उसके बेसिस पे। सेल इज लिविंग, सेल इज लिविंग, ये सही है। मे बी नॉन लिविंग, है ना, नॉन लिविंग भी हो सकता है। जैसे कुछ सेल्स है प्लांट्स के केस में नॉन लिविंग है ना। इट हैज बोल सकते हैं, हैज डिफरेंट शेप, हैज ग्रेटर डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब भिन्नता, अलग अलग प्रकार के सेल होना। तो ये अलग अलग प्रकार क्यों है, क्योंकि अलग अलग फंक्शन करने हैं, है ना। द डाइवर्सिटी ऑफ सेल इनेबल्स द सेल टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। Different function. Fine. तो चलिए सबसे पहले हम लोग discuss the cell size. Size of cell. फाइन। तो नॉर्मल साइज होना है 20 माइक्रोन्स टू 30 माइक्रोन्स डायमीटर में। फाइन, अब हम स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट देखेंगे। नॉर्मल साइज इन ह्यूमन, हो गया सर। ओके डन डन। नॉर्मल साइज हो जाएगा 30 माइक्रोमीटर से 30 माइक्रोमीटर इन डायामीटर, है ना। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10^-6 मीटर, ये याद रखेंगे। माइक्रोमीटर का यूनिट कितना है, फिजिक्स में पढ़े होंगे आप लोग, कुंदन सर से पूछ लेंगे, है ना। चलिए अब हम स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट सबको देख लेते हैं। स्मॉलेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है। लार्जेस्ट सेल एनिमल के केस में बोलेंगे तो ये हो जाएगा एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, है ना। कितना मीटर का डायमीटर होता है इसका। फाइन, ये हो गया एनिमल में। प्लांट की जिक्र करेंगे, लॉन्गेस्ट सेल आएगा ऑसिलेट एरिया का आना चाहिए, एसिटेबल एरिया का आना चाहिए। एसिटेबल एरिया, फाइन। इसकी साइज जो होनी है 6 से 10 सेंटीमीटर होनी है, सबका डायमीटर ही होगा। फाइन, चलिए स्मॉलेस्ट देखते हैं। स्मॉलेस्ट बता सकते हो जी कौन सा है स्मॉलेस्ट सेल। पीपी येलो, हाँ, स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा कहेंगे। PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म।
सर ये प्लांट वाला कौन सा है? एसिटाबुलेरिया, एसिटाबुलेरिया, हाँ, ए सी ई टी ए बी यू एल ए आर आई ए, एसिटाबुलेरिया। दिस पीपीएलओ आल्सो नोन एज mycoplasma. And the size of mycoplasma is 0.1 to 0.5. हो गया ये? ओके, चलिए शिप पे आते हैं हम लोग। सर स्लाइड ऊपर कीजिए ना। ओके बेटा, सर स्मॉलेस्ट सेल को क्या प्रोनंसिएट करेंगे? ये वाला माइकोप्लाज्मा, माइको नहीं सर, ये पीपीएलओ वाला प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरल फ्लूड लंग्स के प्लूरल फ्लूड में पाया जाने वाला स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम है ना, निमोनिया डिजीज कॉज करता था ये। इसका पुराना नाम है, माइकोप्लाज्मा का पुराना नाम है ना, ओल्डेस्ट नेम ऑफ माइकोप्लाज्मा। फाइन, ओके सर, आगे बढ़े। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। शेप, शेप भी हम अलग अलग करी, अलग अलग का हो सकता है। सबसे देखते हैं इलोंगेटेड शेप, इलोंगेटेड किसका होगा? नर्व सेल का, लंबा है ना। नेक्स्ट स्लीपर सेल, स्लीपर शेप, चप्पल का तरह स्लीपर शेप, पैरामीशियम। पैरामीशियम हो जाएगा चप्पल शेप का। देन स्फेरिकल, स्फेरिकल हो जाएगा एग का। स्पिंडल शेप, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगा। स्पिंडल शेप, मसल सेल है ना, स्पिंडल शेप कुछ इस तरीके से होना है ना, इस तरीके से स्पिंडल शेप होता है। इलोंगेटेड नर्व सेल, ये लॉन्गेस्ट भी है, ये लॉन्गेस्ट सेल भी है। हटाइए, चलेगा ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नंबर, नंबर ऑफ सेल ना, कौन से ऑर्गेनिज्म में कितने सेल प्रेजेंट रहते हैं? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल होते हैं, यूनि सेलुलर, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर कहते हैं है ना। एक ही सेल पूरा फंक्शन परफॉर्म करेगा, एक ही सेल में उसका पूरा जिंदगी खत्म हो गया है ना, उसको हम लोग कहते हैं सिंगल सेल। फाइन, मल्टी सेलर में देखते हैं कितने सेल्स होंगे, नाम से पता चल रहा है, मल्टी सेलर मतलब हैविंग मोर देन वन सेल, हैविंग मोर देन वन सेल, एक सेल से ज्यादा। एग्जाम्पल हो जाएगा प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एनिमल्स,
फंजाई है ना, ये सब हो जाएंगे मल्टी सेलर। ओके सो चलिए, सेल दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड दो यूकैरियोट्स। सेल्स आर ऑफ टू टाइप, सेल्स आर ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स। है ना, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। फाइन, तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है, दिस आई डिस्कस इन द नेक्स्ट। दिस डिफरेंशिएशन इज देयर बिटवीन देम विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर फंक्शन, है ना, स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे ही हमने सेल्स को दो ग्रुप में बांट रखा है। फाइन, सो आज मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। आप लोग क्लास 9 में हो तो जितना मेंशन है टाइम टेबल में टाइम उतना हम यूज नहीं करेंगे आप लोग के लिए। फाइन, विल स्टडी ओनली 80 मिनट्स टू 90 मिनट्स, है ना, तो 80 मिनट्स खत्म हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे अगले क्लास में। फाइन, द डिफरेंस बिटवीन, between plants, prokaryotes and eukaryotes. Fine, करते हैं हम लोग अगले क्लास में। आज के लेक्चर से किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है। ये मैं शेयर कर दूँ। No sir. Okay, okay, good. If you don't have any doubt, you can sign off. मैं नोट्स भेज देता हूँ। नोट्स बनाते चलेंगे, बुकलेट पढ़ते चलेंगे। बुकलेट नहीं मिला होगा तो विशाल सर को बोल देंगे, वो बुकलेट आप। ओके सर, ओके सर, बाय सर। क्या बोले बेटा? प्रियांशी, यू आस्क समथिंग। सर,